तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो गेम ऑफ थ्रोन्स को लेकर जो हमको नेक्स्ट सीरीज देखने मिलेगी ना, उसका टीजर आके कुछ टाइम हो चुका है, 3 दिन, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि विनलैंड सागा की मांगा रीड करने में बिजी था। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया से जो न्यू वेब सीरीज निकल के आ रही है उसको लेके मेरे फीलिंग्स मैं खुद डिफाइन नहीं कर पा रहा। नहीं, एक्साइटेड तो मैं बहुत ज्यादा हूँ ये न्यू सीरीज जो आ रही है उसको लेके, लेकिन उसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे थॉट है जो मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, और तब आप लोगों को समझेगा कि मैं किस डिलेमा में फंसा हूँ। इंग्लिश शॉर्ट बताया, याद कर लो, मतलब भी बताया गया, लेकिन उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं तो फ्री में नहीं देने वाला ना, बिजनेसमैन हूं, बदले में सब्सक्राइब चाहिए। कर दो, लाता हूं इंट्रो, फिर बात करते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक थोड़ा अजीब सवाल पूछना चाहता हूँ कि हेयर लॉस क्यों होता है? बाल सबके गिरते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ बालों की ग्रोथ कम हो जाना तो फिर दिख के आता है कि यहाँ बंदे का हेयर लॉस हो रहा है। अब बाल गिरते ही रहेंगे और न्यू वाले उगेंगे नहीं तो फिर चमन उजड़ेगा। बाला मूवी की तरह अगर घर के नुस्खे यूज करोगे तो फिर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपके सामने एक सोल्यूशन है ये, उस तरह की तरफ से हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर। इसके अंदर है 33 वाइटल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि रेंडिसिल, केराटिन के साथ साथ 7 विटामिन ओमेगा 3 एंड 6, 17 अमीनो एसिड्स और 3 मिनरल्स के साथ साथ बहुत कुछ। ज्यादा हो गया ना। अब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होने का क्या फायदा? नंबर 1, हेयर ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। नंबर 2, हेयर फॉल कम करेगा। नंबर 3, बाल ग्रे होना डिले करेगा। नंबर 4, पूरा 100% न्यूट्रिशन बालों के लिए। उस तरह ने प्रॉपरली साइंटिफिक मेथड से टेस्ट करके इंटरनेशनल GVK बायोलैब से ऑथेंटिकेट करवाया है। इसको लगाना भी बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल नॉन स्टिकी और इसके अंदर कोई भी फालतू के केमिकल्स नहीं है। ज्यादा फायदा चाहिए तो फिर रात भर रखो और सुबह वॉश करो। इसको बाय करने का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप लोग ustra.com से जाके बाय करते हो वहाँ मेरा कोड यूज कर लेना BNFTV20, आप लोगों को 20% ऑफ एडिशनल डिस्काउंट मेरी तरफ से, क्योंकि गंजा होना किसी को नहीं पसंद। तो देखो गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया से ये जो न्यू वेब सीरीज हम लोगों को देखने मिलेगी उसका उन्होंने टाइटल रखा है हाउस ऑफ द ड्रैगन। और अगर आपको पहले से पता है कि इस सीरीज की स्टोरी क्या होने वाली है तो फिर आप जानते हो कि ये जो टाइटल है वो कितना ज्यादा सही बैठता है, हाउस ऑफ द ड्रैगन। क्योंकि अगर इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको बताना होना तो फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन के अंदर हम लोगों को हाउस टारगेरियन की स्टोरी पता चलेगी। डिनेरिस टारगेरियन ने जो कुछ भी किया उसके ऑलमोस्ट 200 साल पहले। और अगर आप लोगों को ऐसा आइडिया था ना कि यार डिनेरिस टारगेरियन कितनी ज्यादा बैडएस है, वेट, जब एगॉन टारगेरियन के बारे में जानोगे ना, डिनेरिस गई तेल लेने। नहीं, ये तो मैंने ऐसे थोड़ा फ्लो में बोल दिया क्योंकि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 याद आ गया। डिनेरिस भी अच्छी है, आई लव डिनेरिस, लेकिन एगॉन टारगेरियन की तो बात ही अलग थी, क्योंकि ये भाई साहब अपने साथ कुछ ड्रैगन्स लेके वेस्टरॉस आते हैं और वहां पे जितने भी सारे हाउसेस यानी कि घराने 200 साल पहले थे उनके साथ लड़ाई करके कितना जीतते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है बलेरियन द ड्रेड। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर डिनेरिस का जो सबसे बड़ा वाला ड्रैगन था ना, वो भी बलेरियन द ड्रेड के सामने छोटा है। आप लोग लिटरली बलेरियन को गेम ऑफ थ्रोन्स के बाकी ड्रैगन्स का बाप बुला सकते हो, या माँ, मतलब जैसा भी उनका जेंडर काम करता है। गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7 के अंदर हम लोगों को ये एक शॉट देखने मिला था जिसमें सर्सी एक ड्रैगन के स्कल के सामने खड़ी है। वो जो स्कल है ना, वो बलेरियन द ड्रेड का था। और यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर उसके साइज को कंपेयर किया गया है। और मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये जो शो आ रहा है उसका नाम परफेक्ट है हाउस ऑफ द ड्रैगन, क्योंकि जब ये टारगेरियन लोग वेस्टरॉस आते हैं अपने ड्रैगन्स को लेके तो वहां के बाकी जितने भी किंगडम्स थे, स्टार्स वगैरह सब, उनके किसी के पास भी ड्रैगन्स नहीं होते, तो इनके बीच में जब भी लड़ाई होती है मेन डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं ड्रैगन्स, इसीलिए हाउस ऑफ द ड्रैगन। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि मैं ये सारी स्टोरी अपने मन से बोल रहा हूं, तो गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के अंदर भी ये सारी चीजों का हिंट हम लोगों को दिया था, अगर आप लोगों ने वो सीरीज देखते वक्त डायलॉग्स पे फोकस किया है तो। मुझे पता नहीं आपका ध्यान कहां था या आपने गेम ऑफ थ्रोन्स किसे लिए देखा था, लेकिन जो वर्ल्ड बिल्डिंग उसके अंदर की गई थी Insane. जैसे कि एग्जांपल के लिए गेम ऑफ थ्रोन सीजन 5 एपिसोड नंबर 5, टीरियन और जोरा जब एक खंडर वाले इलाके से गुजर रहे होते हैं, वहां पे कोई एक उसको छू देता है और उसको बीमारी लग जाती है। उस जगह का नाम था ओल्ड वलेरिया, और वो जो जगह है ना वो इस सीरीज से कनेक्ट करेगी। होप करते हैं कि वो वाला प्लेस हम लोग को इसके अंदर देखने मिले, क्योंकि ये टारगेरियन लोग वहीं से वेस्टरॉस जाते हैं और वहां जाने के बाद जो बवाल मचाते हैं वो लोग। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ एक सीन देखने का, बर्निंग ऑफ हैरनहॉल, जहां पे अपने बलेरियन द ड्रेड भाई साहब इतना जलाते हैं कि जो फोर्ट किला होता है ना उसकी दीवारें तक मेल्ट हो जाती हैं। और ये जो मेल्टेड कासल है ना उसको हमने ऑलरेडी गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर देख लिया है, जहां पे आर्या स्टार्क टाइविन लैनिस्टर के साथ होती है। तो अगर आप लोगों ने ये छोटी छोटी चीजें नोटिस नहीं की थी गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर, भाई जब ये सीरीज देखोगे तो बोले यार ये पहले था उसमें, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ ड्रैगन और
पे था। इसके ऊपर से गेम ऑफ थ्रोन्स की जो हिस्ट्री हम लोगों को हाउस ऑफ ड्रैगन में दिखाया जाएगा ना, वो स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि जब गेम ऑफ थ्रोन्स वो लोग बना रहे थे तब सीजन 5 या फिर 6 तक ही बुक्स लिखी गई थी, जिसका मतलब ऐसा होता है कि उसके आगे के जो सीजन है ना वो गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक के ऊपर बेस्ड नहीं थे, इसलिए हक दिए। लेकिन क्योंकि मार्टिन भाई साहब ने अपनी बुक्स के अंदर हाउस ऑफ ड्रैगन वाली स्टोरी पूरी लिख के कंप्लीट कर दी है, तो ऐसा उम्मीद करके चलते हैं कि इस शो के साथ वो हाल ना हो जो गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ हुआ था। लेकिन फिर भी एक छोटी सी चिंता रह जाती है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जिस टाइप के कैरेक्टर्स और जो पॉलिटिक्स हम लोगों को देखने मिली थी, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का एकदम मेन पॉइंट था, उस लेवल का हाउस ऑफ ड्रैगन में देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी चीज को फिर से क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यार। लिटिल फिंगर जैसा कोई कैरेक्टर हो जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन उसकी चांसेस मुझे कम लग रहा है, क्योंकि लिटिल फिंगर जैसा कैरेक्टर होना तो लेकिन मैंने आप लोगों को ये जो छोटी सी चिंता बताई ना, उसका आंसर भी मैं ही दे देता हूं। अब ये बुक की स्टोरी भी जॉर्ज आर आर मार्टिन ने लिखी है और गेम ऑफ थ्रोन सीरीज वाली स्टोरी भी उन्होंने ही अपनी बुक में लिखी है। मतलब यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल के कैरेक्टर्स पॉलिटिक्स हम लोगों को इस हाउस ऑफ ड्रैगन में देखने मिलेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को अभी ये जो आंसर बताया उसके ऊपर एक और छोटी सी चिंता है कि मार्टिन भाई साहब ने बुक में तो लिख दिया, लेकिन उसको ये लोग अडॉप्ट कैसे करेंगे सीरीज में। शो के क्रिएटर्स ने बोला कि थोड़ा बहुत हम लोग चेंज करते हैं, मजा आ जाएगा, वो मजा सजा ना बन जाए। तो देखा आप लोगों ने, ये होता है डायलेमा जो भी बोलते हैं, जिसमें आप लोगों के सामने दो ऑप्शन होते हैं कि डिनेरिस या फिर डिनेरिस का ड्रैगन किसको राइड करना चूज करोगे, और दोनों के बीच में चुनने के लिए आप दिनों रात सोचो कि यार किसको चूज करूं, ये होता है डिलेमा। और हाउस ऑफ द ड्रैगन को लेके भी मैं ऐसे ही चीज में फंसा हूं कि इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊं या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस को कम रखूं, क्योंकि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के लास्ट एपिसोड जैसा डिसअपॉइंट नहीं होना है। क्या मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ? हाँ, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। इतना नहीं सोचना चाहिए, अभी तो सीरीज को आने में टाइम है, 2022 में आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को आज के दिन ही इसकी स्टोरी पता करनी है कि ये जो शो आ रहा है वो क्या हो सकता है, क्या सारी चीजें हमको देखने मिलेंगी इसके अंदर, तो फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करो गेम ऑफ थ्रोन्स कॉन्क्वेस्ट एंड रिबेलियन। वहां पे 40 मिनट के आसपास का आप लोगों को एक एनिमेटेड वीडियो दिखेगा, जिसके अंदर हम लोगों को वो हिस्ट्री शॉर्ट में बताई गई है। इसके ऊपर से उस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो नरेशन सुनने मिलेगा ना, वो सेम एक्टर्स हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर कैरेक्टर प्ले किए थे। मजा आ जाता है सुन के। तो अगर आप लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आया था और हाउस ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी पहले से पता करनी है, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि आप लोगों को जब वो हिस्ट्री वाली स्टोरी पता चलेगी ना, बहुत मस्त। देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स नाम की जो वेब सीरीज थी ना, उसने खुद का इतना ज्यादा नाम कर लिया है, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी वो, कि उसके बाद से कोई भी सीरीज आती है जिसके अंदर हिस्टोरिकल कुछ दिखाया गया हो, लड़ाई वगैरह, तो फिर उसको इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है कि भाई ये गेम ऑफ थ्रोन्स का सस्ता कॉपी है, या फिर भाई ये सीरीज जाके देखो अगला गेम ऑफ थ्रोन्स है। विचर नाम की जब सीरीज आई थी ना, तो फिर ये चीजें मुझे कितनी बार बोली गई थी मुझे ही पता है, भाई विचर जाके देख अगला गेम ऑफ थ्रोन्स। अब देखो, यहाँ पे कोई भी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स तो इतनी जल्दी आसानी से बन नहीं सकती, लेकिन जो हाउस ऑफ द ड्रैगन आने वाला उसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, और मैं खुद पर्सनली इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, इसलिए वीडियो के अंदर इतनी अच्छी-अच्छी बातें बोल दी इसको लेके। तो आपको लग रहा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स वालों ने इसको पैसा दिया ताकि पब्लिसिटी हो जाए, लेकिन आपको तो पता है कि मैं कितना ज्यादा शाटर हूं, इसलिए मैंने वीडियो के अंदर पेड प्रमोशन डाल दिया। अगर मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स से पैसा मिला होता तो फिर वो पेड प्रमोशन नहीं डालने देते। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स है हाउस ऑफ द ड्रैगन को लेके, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, ऐसी मस्ती और चाहिए तो फिर मैं मिलूंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगले वीडियो में। तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।